इंग्लैंड की धरती पर भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। 3-0 से ओडीआई सीरीज अपने नाम की है, लेकिन तीसरा ओडीआई मैच ना सिर्फ झूलन गोस्वामी के इंटरनेशनल करियर से रिटायरमेंट के लिए यादगार रहेगा, बल्कि इस मैच में एक ऐसा रनआउट भी देखने को मिला जिसकी अब काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और हर कोई इस पर बात कर रहा है। क्रिकेटरों के रिएक्शन भी क्या है इस पर वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा ड्रामा क्या था। दरअसल भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड की टीम को 170 रनों का टारगेट दिया था, जिसको चेस करते हुए इंग्लैंड 153 रन बना चुकी थी और उसके 9 विकेट गिर चुके थे, यानी 17 रनों की इंग्लैंड को जरूरत थी और एक विकेट उसके हाथ में था। और उसी वक्त ये पूरा ड्रामा देखने को मिला, ये रनआउट देखने को मिला जब दीप्ति शर्मा 44 ओवर की चौथी गेंद कराने के लिए तैयार थी, लेकिन इस बीच नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद चार्ली डीन बॉलर के हाथ से गेंद रिलीज होने से पहले ही क्रीज छोड़ने लगी और इसी का फायदा उठाते हुए दीप्ति शर्मा ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही चार्ली डीन को रनआउट कर दिया और इसके बाद एम्पायर से अपील भी कर दी। इसको देखकर इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरान दिखे और इंग्लैंड के जो डगआउट में खिलाड़ी थे वो भी हैरान दिखे कि आखिर ये क्या हो रहा है। सभी के चेहरे पर हैरानी दिख रही थी और रिप्ले में देखा गया कि चार्ली डीन काफी आगे निकल चुकी थी। ऐसे में चार्ली डीन को आउट करार दिया गया और इसके बाद चार्ली डीन काफी इमोशनल हो गए, उनके आंखों से आंसू भी निकलते हुए दिखाई दिए और अब दोस्तों इसी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लेकिन एज पर रूल देखा जाए तो इस तरह रनआउट किया जा सकता है, आईसीसी के नियम है कि इस तरीके से रनआउट ही माना जाएगा। इसको पहले मानकर टर्म दिया गया था, जो अश्विन ने एक बार जोस बटलर को भी आईपीएल में आउट किया था, काफी चर्चा में उस वक्त भी आया था, लेकिन अब रूल के मुताबिक इसको रनआउट कहा जाएगा। मानकर उस समय टर्म दिया गया था, लेकिन अब ये रूल के मुताबिक रनआउट है और एम्पायर ने इसी वजह से बल्लेबाज को रनआउट दिया। तो आईसीसी के रूल के मुताबिक देखा जाए तो ये रनआउट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस रनआउट के बाद अब खिलाड़ियों के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। कई लोग गेम ऑफ स्पिरिट का हवाला दे रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि रूल इज रूल, जो रूल है उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन इस पूरे मामले पर इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने कहा कि समझ से परे है कि प्लेयर्स को ये करने की आखिर क्यों जरूरत महसूस पड़ी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब दीप्ति डिलीवरी स्ट्राइक पर आ गई तब तक चार्ली डीन अंदर ही थी। इसके बाद सैम बिलिंग्स लिखते हैं कि आप देख सकते हैं डीन उस तरफ देख भी नहीं रही डिलीवरी स्ट्राइकर पर, लेकिन दीप्ति की नजर इस तस्वीर से ऐसा लग रहा है कि वो देख रही है कि नॉन स्ट्राइकर कब बाहर निकले और कब वो रनआउट उसको करे। ये सैम बिलिंग्स ने लिखा और इसी पर उनके ट्वीट पर जेम्स एंडरसन लिखते हैं कि नो इंटेंशन ऑफ बॉलिंग द बॉल। एंडरसन ने कहा कि बॉल करना ही नहीं था इन्हें, इनकी इंटेंशन थी यहाँ पर रनआउट वाली। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जब नए रूल के मुताबिक इस पर लो ये तरीका है आउट करने का, तो ये अप्लाई भी किया जाएगा और किया भी गया। वहीं अश्विन का ट्वीट भी आया, उन्होंने लिखा कि भाई मैं क्यों ट्रेंड कर रहा हूँ, आज बॉलिंग हीरो दीप्ति शर्मा है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि अश्विन भी इसी तरह जोस बटलर को आउट कर चुके हैं आईपीएल में, इसलिए उनका ट्वीट इस तरह का देखने को मिला। वहीं एलेक्स हेल दीप्ति शर्मा के पक्ष में लिखते हैं कि यह मुश्किल नहीं है नॉन स्ट्राइकर के लिए कि वो हाथ से गेंद निकलने तक क्रीज के अंदर ही मौजूद रहे, यानी अब रूल है तो बैटर को अवेयर तो रहना ही पड़ेगा। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि इंग्लैंड ने ही ये गेम इन्वेंट किया और वो खुद ही रूल्स भूल गया। वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि इस पर अलग अलग राय आ रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सच कहूं तो मैं इस तरह से मैच नहीं जीतना चाहूंगा। तो इंग्लैंड बार्बी आर्मी ने लिखा कि ये लीगल है पर ये क्रिकेट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जब इस पूरे डिसमिसल पर इंडिया टीम की कप्तान हरमनप्रीत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इट्स पार्ट ऑफ गेम, हमने कुछ नया नहीं किया, इट्स पार्ट ऑफ द आईसीसी रूल्स और ये आपकी अवेयरनेस दिखाता है, मैं अपने प्लेयर के साथ हूँ, जीत जीत होती है। तो दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार है कि इस तरीके से नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनआउट हुआ है और आने वाले मैचेस में भी अब इस तरीके के रनआउट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि बल्लेबाज इस पर ध्यान रखे कि गेंद के रिलीज होने से पहले क्रीज को ना छोड़े, क्योंकि एक वक्त पर इससे पहले भी क्रिस गेल विपक्षी टीम को इसी तरह रनआउट की वार्निंग देते हुए नजर आए थे और उन्होंने गेम ऑफ स्पिरिट दिखाया था कि वो रनआउट कर सकते हैं बॉल को रिलीज करने से पहले ही क्रीज के बाहर ना निकले। ये क्रिस गेल की वीडियो काफी वायरल हुई थी और गेंदबाज को वार्न किया था। इसके अलावा आईपीएल में अश्विन जोस बटलर को इस तरह आउट कर चुके हैं और अब दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चार्ली डीन को मानकर रनआउट किया। मानकर टर्म था लेकिन अब यह प्रॉपर रनआउट है और एज पर आईसीसी रूल इसे रनआउट ही कहा जाएगा और जिसको दीप्ति शर्मा ने अप्लाई किया और टीम इंडिया को जो आखिरी विकेट की जरूरत थी वो इस तरह टीम इंडिया को मिला। चार्ली डीन इंग्लैंड के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, इस वजह से वो इस तरह आउट होने के बाद काफी निराश दिखी और काफी इमोशनल दिखी, लेकिन रूल तो रूल है, चार्ली डीन को भी मानना पड़ा और हर प्लेयर को यह मानना पड़ेगा।
बाकी दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, क्या गेम ऑफ स्पिरिट दिखाना चाहिए या फिर या एज पर आईसीसी रूल जो रूल है उसे फॉलो करना चाहिए और आउट है तो मतलब आउट है। क्या सोचते हैं आप, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।